हमारा मुद्दा है कि हमारे सड़कें का विकास हो, हमारे यहाँ स्कूल मिले, कॉलेज मिले और हॉस्पिटल बने, इसलिए हमारा मुद्दा है कि विकास के नाम पर हम वोट देंगे। फर्स्ट टाइम है इसलिए हमको बहुत जागरूकता भी है कि हम चाहते हैं कि जो पिछले 60 सालों में 70 सालों में विकास नहीं हुआ है, हम चाहते हैं कि अब हमारे क्षेत्र में विकास हो। जो भी विकास रुका हुआ है उसको अच्छे से कम्प्लीट करें और जो भी समस्या है उसको सॉल्व करें। अमेठी में अभी तक विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। क्या विकास आप देख रही हैं? बहुत सारे विकास, स्कूल के लिए विकास हुआ है, रोड सड़क सारे, मतलब हर चीज़ के लिए विकास हुआ है। अभी जो भी सरकार बनती है आप क्या अपेक्षा करते हैं, महिलाओं के लिए क्या करेंगे? महिलाओं के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जाए, महिलाएं हर तरीके से मतलब सुरक्षित रहे। सरकार से रास्ता सड़क आवे जाए के लिए मांगे है, तनी तकलीफ पड़त गया है आवे जाए के। तो स्मृति बिट्टी उसको भी देखा और बोली भी है कि हाँ सड़क बनेगी। राहुल गांधी को देखा आपने? सबको देख रही हूँ, राहुल को देख रही हूँ, क्या कहते हैं अखिलेश को देख रही हूँ, क्या कहते हैं उनको भी, हाथी वाले उनको भी देख रही हूँ, सबको देख रही हूँ। राहुल भी अपना एक बच्चा है, चल रहा है, क्या किया जाए। यहाँ अभी यहाँ से छोड़ के राय बरेली गया है, यहाँ तो अब तो स्मृति ही रहेंगी। अमेठी में इस समय जो है बदलाव की लहर चल रही है और स्मृति ईरानी को बम्पर वोट हो रहा है और राहुल गांधी जी जैसा कि वायनाड से और रायबरेली से दो जगह चुनाव लड़ रहे हैं, पहले उनको सोचना चाहिए कि दोनों जगह में से एक जगह कहाँ चूज करेंगे, वो पहले उनको इस पे बात करनी चाहिए। अमेठी हमारी क्षेत्र में कोई मुद्दे नहीं है, सारा कुछ एकदम फुलफिल कर रही है स्मृति ईरानी जी, कनेक्ट टू कनेक्ट, लोग टू लोग मिल रही हैं और अभी तक राहुल गांधी जी ने कभी यहाँ पे जो है अपना निवास स्थान नहीं बनाया था, बट स्मृति ईरानी ने जैसे जीती है उन्होंने अपना घर बनाया है, उन्होंने सड़क बनाई है, छोटे छोटे मार्ग बना दिए हैं और लोगों स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से लेकर हर जगह वो खड़ी रहती हैं। तो इसलिए यहाँ का मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो चीज़ कभी नहीं हुआ है वो पिछले 5 सालों के अंदर हुआ है। मैम ऑलरेडी यहाँ पर डबल इंजन की सरकार ऑलरेडी काम कर रही है, योगी मोदी की जोड़ी ऑलरेडी काम कर रही है, वही हम लोग दोबारा रिपीट करना चाहते हैं। कोई मुद्दा स्मृति ईरानी ने बाकी ही नहीं रखा है, सब पूरा कर दिया है। हाँ, और जी जान से लगी हुई है, उनको ऐसा नहीं है कि आज यहाँ रहूँ कल दिल्ली खड़ी हूँ, कल हरियाणा चली जाऊँ, इसलिए कुछ नहीं। सभी बच्चे, सभी सड़क, सभी दुरुस्त है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, मेडिकल में मेडिकल कॉलेज तक खुला दिया है और सब कुछ कर दिया है उन्होंने। और हम उनसे यही अपेक्षा रखेंगे कि अगले 5 साल में स्मृति ईरानी इस अमेठी क्षेत्र को और आगे बढ़ाएं, यही हमारी इच्छा है।